कभी सोचा है विराट हिमगिरी से अनंत हिंद महासागर तक, अतरंगी गुजरात से सुरम्य गंगा सागर तक, मोहिंजोदाड़ो और वेदों की रिताओं का साक्षी कौन पिरोता है वो एक सूत जिसमें बसे हैं हमारे विभिन्न स्वरूप। जामदानी ज्यामिति की सघन खूबसूरती, इक्कत की जादुई आकृतियां किसको सम्मोहित नहीं करती। पटोला की दोहरी कटाई हर पीढ़ी को करे भाविभोर। पश्मीना के मुलायम ऊन अपनी मखमली गर्माहट में करें सराबोर। कुल्लू के शॉल में अनहद वादियों की सुगंध है महकती। बैठनी साड़ी में हमारी सदियों की धरोहर झलकती। देखो किस अनूठे रूप में तंगलिया शॉल में स्वदेशी की छवि उभरती है। बालूचरी के पल्लू में भागीरथी की पवित्रता झलकती है। नैनों को हर्षित करती कांचीपुरम का है नहीं कोई सानी। बनारसी साड़ी में पूटी संग जैकार्ड पर रेशम का महीन काम किस किस को न बना दे अपनी दीवानी। तो दूसरी तरफ प्रखर बलरामपुरम साड़ी महिलाओं की आधुनिक पहचान बनती है, जहां असमी संस्कृति गौरव को मेखला चादर बखूबी झलकाती। वहीं वांगखेफी मणिपुरी महिलाओं की उत्कृष्ट कला का सामर्थ्य दर्शाती। समय की धारा में विलुप्त हो रही कुछ शैलियां, उनके पुनरुत्थान की भी हो रही तैयारियां। अब फिर जागृत हुई है औरंगाबाद के हिमरू की बुनावट, फिर तेलंगाना के आरमूर में बने भव्य पल्लुओं का हो रहा स्वागत। कालजयी है हमारे बुनकरों की विरासत। हो कोई जलसा या हो त्योहार, पूरे कहां होते हैं जब तक पहने नहीं ये हथकरघे के परिधान। हर छोटी बड़ी खुशी में है हमारी साथी, हर घर की ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ाएं ये भारत की शान। इठलाती उंगलियां जिनकी रचती हैं विविध धागों से परिधानों का तराना, वो कोई और नहीं है सूत्रधार हमारी संस्कृति और सभ्यता के, बुनकर हमारे जिन्होंने बुना समूचे विश्व में अपना ताना बाना।